मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा कूद से क्यों डरूं। आज भी ये शब्द अमर हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह। ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे वो, जिनका पक्ष ही नहीं विपक्ष भी दीवाना था। आज उनकी पुण्यतिथि है। 93 साल की उम्र में वो हम लोगों के बीच से चले गए, पर उनके किए गए काम जो देश के लिए समर्पित थे वो हमेशा जीवित रहेंगे। आज उनके भांजे हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे थे हमारे अटल जी। सबसे पहले आपका आरनाई टीवी में बहुत बहुत स्वागत है, और आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे थे अटल जी, जब आप उनसे मिलते थे तो कैसा लगता था, किस स्वभाव के थे वो? अटल जी जैसा कोई नहीं, विश्व में नहीं है। अब वो नहीं हमारे बीच में तो लगता है कि कोई नहीं बचा। वो देश के लिए बहुत काम करते थे, देश के लिए ही जीना चाहते थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, एक अटैची इसमें दो चार धोती कुर्ते के अलावा और उनके पास कुछ भी नहीं रहता था। यहाँ आए थे तो वही अटैची उनके पास थी, और उनका व्यक्तित्व तो ऐसा था कि वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अब हमारे बीच में नहीं है वो। जब आए यहाँ पे पूरा गांव इकट्ठा हो गया, हिंदू मुस्लिम सभी जय जयकार करने लगे, इस तरह से जैसे लग रहा है कोई उनका बिल्कुल सगा संबंधी आया हो। उनको सभी चाहते थे, कोई बाकी नहीं था। क्या पसंद था? जैसा कि बताते हैं उनको खाने में चाट बताशे खस्ते बहुत पसंद थे, और जहाँ भी जाते थे तुरंत कहते थे मुझको ये बना के दो, मतलब एकदम खुले स्वभाव के इंसान थे। खाने के बड़े शौकीन थे और बड़ा कह कहे लगा के कहा करते थे। एक बार वो चौक में गए हुए थे, अटल जी के और तमाम लोग थे, तो उस समय कुछ नाश्ता आया उनके सामने, सवेरे का समय था, तो बोले भाई जलेबी वलेबी की व्यवस्था कुछ होगी? तो सब लोगों ने कहा हाँ हाँ जलेबी होगी। तो वहाँ चौक में देसी घी की मिठाइयाँ मिलती थी, उन्हें बहुत पसंद थी। तो जब लखनऊ आते थे चाट और मिठाई खूब खाते थे, और लखनऊ से बड़ा प्रेम था। वो कहते थे कि मैं रिटायरमेंट जब लूँगा राजनीति से तो बख्शी तालाब यहाँ पे है 7-8 किलोमीटर पे, यहाँ मैं अपना मकान बनाऊँगा रहने के लिए। लेकिन वो उनकी इच्छा अधूरी रह गई, इसका हम लोगों को बड़ा खेद है। शुक्रिया बहुत बहुत बात करने के लिए। तो ये था हमारे साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी का परिवार, जो लगातार जब वो लखनऊ आते थे उनके संपर्क में रहता था। कहते हैं कि जाने वाले चले जाते हैं, पर उनकी यादें और उनके किए गए कार्य हमेशा हमारे बीच में जीवित रहते हैं। R9 TV की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। संदीप खेर कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ R9 TV लखनऊ।